हे गाइस, वेलकम बैक इन माई यूट्यूब चैनल टिकटॉक ट्यूटोरियल्स हिंदी। गाइस, मैं वापस आ गया टिकटॉक की एक और ज़बरदस्त वीडियो को लेकर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको कोई ट्यूटोरियल नहीं देने वाला। ट्यूटोरियल हालांकि आएगी, बहुत जल्द आएगी। मैं थोड़ा आजकल बिजी चल रहा हूँ यार, थोड़ी सी प्रॉब्लम में हूँ, इसलिए ट्यूटोरियल नहीं लेके आ पा रहा हूँ, लेकिन अब जल्द ही ट्यूटोरियल रेगुलर आएगी। तो आज मैं एक ट्रिक वाली वीडियो को लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप टिकटॉक के लिए VFX वीडियो बनाते हो या कोई भी वीडियो एडिट करते हो टिकटॉक वीडियो को डाउनलोड करके। ठीक है, तो चलो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूं। तो गाइस, कई बार ऐसा होता है कि आप कोई वीडियो को टिकटॉक पे शूट करते हो, फिर उसे डाउनलोड करके अपने मेमोरी कार्ड में लाते हो और फिर उसे एडिट करके दोबारा पोस्ट करते हो टिकटॉक पे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप टिकटॉक से डायरेक्ट डाउनलोड करते हो वीडियो को, तो आपके वीडियो पे जो है टिकटॉक का वाटरमार्क आता है, आपके आईडी का नाम रहता है और टिकटॉक लिखा हुआ रहता है, तो उसे थोड़ा हटाने में प्रॉब्लम हो जाती है और वीडियो आपका अच्छे से एडिट नहीं हो पाता। तो मैं यही बताऊंगा कि विदाउट वाटरमार्क का आप टिकटॉक के वीडियो को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप कोई भी वीडियो डाउनलोड करो, टिकटॉक का वाटरमार्क आपको नहीं मिलेगा, पूरा फ्रेश वीडियो आपका डाउनलोड होगा। तो यही ट्रिक है, तो चलो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, हो सकता है कि इस ट्रिक को आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे टिकटॉक यूज़र भी हैं जिन्हें पता नहीं है। तो अगर नहीं पता है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। और गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही कोई नई टिकटॉक की वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करके ही जाना। तो चलो मैं अपने टिकटॉक पर जाके आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो मैं अपने टिकटॉक आईडी पर आ गया और यहाँ से एक वीडियो को जो है मैं डाउनलोड करता हूँ। तो चलो इस वीडियो को ही मैं डाउनलोड करता हूँ, ये वाला। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपल क्या करना होता है कि वीडियो को प्ले करना होता है, 3 डॉट पे आपको क्लिक करना होता है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है सेव वीडियो का। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये वीडियो 100% होने के बाद आपके मेमोरी कार्ड में जो है वो सेव हो जाता है। तो इसे 100% होने देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, ये टोटली डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे। तो यहाँ पे मेरा 100 हो चुका है और वीडियो सेव हो चुका है मेरे मेमोरी कार्ड में। तो मैं आपको MX प्लेयर में जाके दिखाता हूँ उस वीडियो को। तो आपको तो पता ही होगा कि टिकटॉक से जैसे ही कोई वीडियो को आप डाउनलोड करोगे तो आपके कैमरे वाले फोल्डर में वो आता है, MX प्लेयर में कैमरा का फोल्डर है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखो, फर्स्ट में ही वो वीडियो अभी जो मैंने डाउनलोड किया है वो यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे प्ले करते हैं तो देखो, यहाँ पे मैंने जैसे ही प्ले किया तो ऊपर में आप देख सकते हो कि टिकटॉक ट्यूटोरियल एमराज मेरा नाम शो हो रहा है और टिकटॉक का जो है वो वाटरमार्क आ रहा है। तो ये वाटरमार्क बीच बीच में नीचे आ जाता है कभी कभी, कभी कभी ऊपर में रहता है। तो देख सकते हो कि अब नीचे आ गया है। तो इस तरह से अगर नीचे ऊपर जब नाम आता है ना, तो आपको वीडियो एडिट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो विदाउट वाटरमार्क कैसे डाउनलोड करना है, तो सिंपल है गाइज, आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ता है गूगल प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन का नाम है वीडियो डाउनलोडर फॉर टिकटॉक। तो पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जानी है और ऊपर में आपको सर्च करना है टिकटॉक डाउनलोडर लिख के। टिकटॉक डाउनलोडर लिख के जैसे सर्च करोगे आपको बहुत सारे ऐप मिलते हैं, टिकटॉक का ही पहले ऐप मिलेगा। यहाँ पे देखो एक रेड कलर का नो वाटरमार्क लिखा हुआ आइकन और वीडियो डाउनलोडर फॉर टिकटॉक है, इस पर क्लिक करना है और इसे आपको जो है इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इंस्टॉल कर लेना है आपको। और मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर आप गूगल प्ले स्टोर से जाके डायरेक्ट डाउनलोड नहीं कर सकते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और इसे आपको ओपन कर लेना है। फर्स्ट टाइम ओपन करोगे आपसे कुछ परमिशन मांगा जाएगा, अलाउ कर देना, कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। फिर इसे थोड़ा सा कट कर देना है और आपको अपने टिकटॉक पे जाना है। अब जिस वीडियो को भी आपको डाउनलोड करनी है ना, उस पर एक बार आपको क्लिक करना है। क्लिक किया, वीडियो प्ले होने लगेगा, आपको वीडियो रोक देना है। 3 डॉट का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है और कॉपी लिंक का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस वीडियो का लिंक जो है कॉपी हो जाएगा, ऊपर में शो भी हो जाएगा आपको। फिर आपको जो है अपने होम स्क्रीन पे आना है, वीडियो डाउनलोडर का ऐप पे क्लिक करना है और आपने जहाँ पे छोड़ा था वहीं पे ये मिलेगा। यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी URL एंड डाउनलोड वीडियो, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट URL हेयर है। तो यहाँ पर हाथ को थोड़ा दबा के रखिए और उसके बाद हाथ छोड़िए, तो यहाँ पेस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, पेस्ट कर दीजिए। तो आपने जो लिंक अभी कॉपी किया ना टिकटॉक से, यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ डाउनलोड का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए।
फिर क्या होगा कि उस वीडियो का डेटाबेस ये सर्च करेगा कि ये वीडियो टिकटॉक पे किधर है, और सर्च करते ही ये 100% होगा। जैसे कि देख सकते हो काफ़ी स्पीड से 100% हो गया, वीडियो डाउनलोड कंप्लीट भी हो गया। तो चलो अब आपको एमएक्स प्लेयर में जाके दिखाता हूँ इसी वीडियो को। तो एमएक्स प्लेयर में जाओगे तो आपको एक फ़ोल्डर ऑटोमेटिक जनरेट हुआ मिलेगा, वो फ़ोल्डर होता है वीडियो डाउनलोडर का ही। तो थोड़ा सा नीचे आपको जाना है और यहाँ पे टिकटॉक वीडियो डाउनलोडर का एक फ़ोल्डर मिल जाएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो अभी आपने वीडियो डाउनलोड किया है वो ऊपर में ही शो होगा। उसे प्ले करके देखते हैं तो इस बार आप देख सकते हो कि इसके ऊपर कोई भी वाटरमार्क नहीं है। तो विदाउट वाटरमार्क का मैंने इसे डाउनलोड किया। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रिक है गाइज़, एक टिकटॉक VFX एडिटर वाले के लिए, या आप क्रोमा की यूज़ करते हो, बैकग्राउंड यूज़ करते हो, तो उस समय आपको ये बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो मैं हर वीडियो में जो है ऐसे ही कुछ करता हूँ, वहाँ से डाउनलोड करता हूँ, इसलिए मैंने ये ट्रिक आपको बता दिया ताकि बार बार हमें बताना नहीं पड़ेगा अगली वीडियो में। तो गाइज़ इस ट्रिक का उपयोग करना बहुत दमदार है, ठीक है। तो यही थी आज की ट्रिक, और मैं आपको बताता चलूँ कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल वाली वीडियो बहुत जल्द आएगी। इस वीडियो के ऊपर आपको ट्यूटोरियल चाहिए, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि उसी के ऊपर मैं ट्यूटोरियल लेके आ सकूँ, ठीक है। तो फिर गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट टिकटॉक ट्यूटोरियल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना, हंसते मुस्कुराते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।